कौन सी मशीन है भाई, समझ में बाहर है, देख रहे हो, देख सकते हो दोस्तों आप लोग। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आपका अजय भाई फिर से न्यू ब्लॉग लेके आया है। तो दोस्तों अभी जस्ट एक ठो ब्लॉग मतलब डाला हूँ और उसके बाद मैं फिर से न्यू शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने शूट नहीं किया था, इसके वजह से मैंने आज ही एक ब्लॉग बनाया सुबह का और उसको डाल दिया है। तो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ब्लॉग को। तो दोस्तों इस ब्लॉग की ओर पढ़ते हैं कि आप लोगों ने देखा था कि हमारी गाड़ी क्या कहते हैं खड़ी थी, मतलब रायपुर में बनवाने के लिए आए थे, अलाइनमेंट मिलवाने के लिए आए थे। जैसे टायर अब एक साइड का ज़्यादा चाट रहा है, जैसे ज़्यादा घिस रहा है, उसी को बोलते हैं चाटते हैं सिंपल तरीके में, तो उसी को अलाइनमेंट मिलवाने के लिए आए कंपनी में। तो अभी दिखाएंगे आप लोगों को कैसे मिलाते हैं, क्या करते हैं, सब चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे से ब्लॉग में बने रहो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो अभी एक गाड़ी अभी निकलेगी, देख सकते हो यहीं से, अगर उसका काम हो गया होगा तो उसके बाद में हमारी गाड़ी लगेगी, फिर आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों कैसा होता है यहाँ पे काम, और सब चीज़ दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्लॉग पर बने रहो। फाइनली गाड़ी का हो गया है काम इस वाले का, तो अपनी गाड़ी का घुसाने का टाइम आ गया है, बस ये निकलेगी उसके बाद में अपनी गाड़ी। भाई गाड़ी को देख सकते हो, वहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, उसके हिसाब से पता चलता है किधर का टायर दबा हुआ है क्या है। तो अभी देखते हैं, उतर के दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देख सकते हो दोस्तों लगा हुआ है अपना गाड़ी कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर चढ़ाए हैं, ये देखो, ये देख सकते हो दोस्तों इधर से भी लगा हुआ है, ये मशीन है नीचे में, और ये वाली मशीन लगेगी अभी। तो इधर देख सकते हो आप लोग, इसके ऊपर चढ़ाना रहता है, उसके हिसाब से पता चलता है, और यहाँ पर लगा हुआ है मशीन, ये देख सकते हो, इसी से पता चल जाएगा आप लोगों को, ये देखो। देखते हैं अभी भाई टाइम कितना, मतलब 12 तो बज ही गया है, 12 बजे अपनी गाड़ी अभी लगी हुई है, और अभी बैठते हैं भाई, आराम करते हैं, क्या कर सकते हैं जब तक। और अपने राजन भाई तो मौज कर रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों कितने टाइम तक अपना काम हो जाएगा, उसके हिसाब से पता चलेगा, फिर उसके बाद में लोडिंग लाइडिंग का पता चलेगा दोस्तों। हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर जेक लगा जा रहा है, ये देखो टायर हो गया फ्री, घुमा जा रहा है, ये जेक है, ये इधर देख सकते हो, ये कौन सी मशीन है भाई, समझ में बाहर है, देख रहे हो, इसी से पता चलता है दोस्तों, अलाइनमेंट वाला मशीन। हाँ ये देख सकते हो आप लोग, सेट कर रहे हैं, देखना ये देखो सेट हुआ जा रहा है, पता कैसे चलता है भैया? अच्छा उस कंप्यूटर में पता चल जाता है किस तरफ का साइड ज़्यादा है, देख सकते हो दोस्तों इसमें पता चल जा। मेरा आगे वाला टायर देख रहे हो, ये वाला नोट वो बता रहा है वांटेड इज नॉट ट्रेंड ऑन, जो रेड वाला दिख रहा था। दोस्तों अपना टायर खुला जा रहा है, देख सकते हो क्या है, टायर भी चेंज करना है तो यहीं पर ही खोल लेते हैं बढ़िया, उसके बाद में टायर चेंज हो जाएगा अपना, और उसका क्या बोलते रहे उसको, टाई रॉड टेढ़ा हो गया, उसको भी लेट वाले के पास जाएंगे तो वहां पर करवा लेंगे काम। तो अपना एक 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 काम करो, दोनों काम हो जाएगा, टायर भी लग जाएगा और लेट वाले के पास काम भी हो जाएगा अपना टायर। तो अभी खोल रहे हैं, देख सकते हैं दोनों तरफ का खुल चुका है, और अभी लगाएंगे जैक, तो इस तरफ का भी खुल गया अपना, ये देखो, और दो ठो जैक लेके आ गए, एक ठो अंदर में लगा हुआ है, तो जैक भी लगा देंगे अंदर में घुस के। तो अभी पहले जैक लगा लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अब राजन लगाएगा जैक, ये देखो, तो अभी इसको फिट किया जा रहा है क्योंकि उल्टा पुल्टा ना लगे इसके वजह से। अब ये हाथ से उठा रहे थे, अब टाइट हो गया, अब राड से लगाए। टायर गायब हो गया है, गायब नहीं हुआ है, उधर रखा हुआ है, निकाल दिए हैं, और उस तरफ का भी निकाला जा रहा है, ये देख सकते हो राजन खोल रहा है भाई नट बोल्ट। तो मिस्त्री लोग आ गए हैं देख सकते हो, और यहाँ पर खोला जा रहा है अब, कैसे भाई ये देख सकते हो,
क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका नाम ही भूल जाता हूँ भाई, टायर रॉड। हाँ, टायर रॉड को खोला जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर। यही तो बात है ना, बहुत सी चीज़ हम भूल जाते हैं। क्या है, मेरा दिमाग थोड़ा हो गया है कमज़ोर, इसी की वजह से मेरे को खाना पड़ेगा बादाम। क्या बोला तूने, है ना? तो खुलवाते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। तोड़ दे भाई, क्या लगाता है तो गाइस, टायर लीवर अपना खुल गया, देख सकते हो ये रहा। तो इसी को सीधा करवाएंगे अभी जाके। तो अभी चल रहे हैं भाई लेथ वाले के पास में। तो आ गए दोस्तों लेथ वाले के पास में, देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पर ही होगा। तो अभी बनवाते हैं, चलो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हो रहा है सीधा। अरे यार, और अभी हो गया सीधा ये तो। न्यू टायर आ चुका है, देख सकते हो आप लोग, न्यू टायर पोलो का भाई, क्या ही बोलूं। और इधर एक तो फिट हो गया है, और एक तो ये दो तो टायर ले लिए हैं अपन, कोई टेंशन नहीं, अब तो चलेंगे दबा के। दोस्तों अपना न्यू टायर आ चुका है, देख सकते हो, इतने दिन से बोल रहे थे करेंगे, आज करेंगे, आज हो गया फिट, देख सकते हो। और उस तरफ का भी हो गया है, और ये ट्यूब निकले, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये देख सकते हो। तो अभी जेक उतारेंगे उसको। ऑलरेडी पूरा काम हो चुका है, टायर और पूरा फिट कर लिए हैं, बस अलाइनमेंट मिलाने का टाइम है। तो अलाइनमेंट फेंक मतलब जहाँ पे होता है शोरूम में आ गए अलाइनमेंट मिलवाने के लिए, तो अलाइनमेंट मिल जाएगा। उसके बाद में कल होगी लोडिंग। आज तो भाई गए शाम हो गई है, 5 बज चुके हैं मेरे ख्याल से, 5:30 हो गए। तो आज तो लोडिंग लाइडिंग का कोई पता नहीं है, फिर कल देखेंगे दोस्तों क्या होता है, ठीक है। और अभी जाते हैं भाई पहले तालाब साइड में, देख सकते हो मुँह कान धो लेते हैं, हालत बहुत ख़राब हो रखी है। और अभी राजन भाई अपना लेके आ रहा है टायर और मतलब ट्यूब सबको, वहाँ पर सेट के पास छोड़ना है। तो एक ठोको दे दे भाई मेरे को, मैं पकड़ लेता हूँ। फाइनली पूरा अपना काम हो चुका है, बस अब डाला का पास और काम बचा हुआ है, बस वेल्डिंग करवा रहे हैं। और अपना अलाइनमेंट का काम पूरा हो चुका है, तो देख सकते हो आप लोग, गाड़ी यहाँ पर ला के खड़ा कर दिए बॉडी गैरेज में। तो यहाँ पर काम चला जा रहा है, ये देखो पीछे बोरी लगा हुआ है, बस वहीं पर ही वहाँ पर वेल्डिंग करवाना है। और पीछे का जाली बनवाना है, दिखाते हैं आप लोगों को, बस ये वाला जाली बनवाना है, देख सकते हो। इधर का ये वाला नहीं है, तो इसमें का जाली बनवा लेंगे और ऊपर वेल्डिंग करवा लेंगे। उसके बाद में अपना काम हो गया फाइनली पूरा। तो अभी तो रायपुर में ही भाई, आज तो लोडिंग लाडिंग कुछ मिला नहीं, तो देखते हैं। तो गाइस हमारा फाइनली पूरा काम हो गया है, और अभी बैठे हुए हैं भाई पूरा काम उम करवा के, अब कल देखो लोडिंग लाडिंग मिलेगा। और अभी देख सकते हो यहाँ पर अपना प्याज मिर्ची और लहसुन इधर छीला जा रहा है, और गैस भी निकाल लिए। खैर हमारे पास खाना पड़ा हुआ है, लेकिन अंडे की सब्जी बनाएंगे, मतलब सब्जी नहीं बनाएंगे, भुजी बनाएंगे इसका। तो अभी काट पीट लेते हैं दोस्तों प्याज कट रहे हैं अपना, सब कुछ बढ़िया से धो धा के, और उसके बाद में बनाएंगे भाई भुजिया, नहीं तो थोड़ी सी तरी बनाएंगे, थोड़ी सी तरी रखेंगे क्योंकि चावल है इसके वजह से। फिर कढ़ी भी बचा हुआ है, तो कढ़ी के साथ खाएंगे। तो इसको काट लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों गैस जल गया भाई, अब कढ़ाई मढ़ाते हैं और उसके बाद फ्राई करते हैं, फिर अंडा डालेंगे। तो इसको गर्म होने देते हैं अभी, तेल गर्म हो गया, अभी जल गया भाई जीरा, खाना एकदम साफ दिखना चाहिए। देख सकते हो जीरा डल गया, देख सकते हो दोस्तों प्याज लहसुन और अदरक डाला जा रहा है। यहाँ देखो, देख सकते हो ब्राउन हो गया थोड़ा थोड़ा। अब इसमें डाल देते हैं भाई प्याज, और प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, है ना। गाइस अभी थोड़ा सा डाल रहे हैं भाई नमक, क्योंकि नमक थोड़ा सा डालेंगे नहीं तो तेज हो जाता है। फिर उसके बाद में इसमें डालेंगे, लाल मिर्ची तो है नहीं तो लाल मिर्ची थोड़ा सा डाल देते, फिर उसके बाद में अंडा डालेंगे। ठीक है, फ्राई हो गया है, और अब अंडे को डालते हैं। से देखा बढ़िया, देख सकते हो दोस्तों आप लोग।
और अब रोज करेंगे दोस्तों कुक, क्योंकि राजन आ गया भाई अपना कैमरामैन, कोई टेंशन नहीं है अब। इस खाना बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो क्या ही लजीज दिख रहा है। ये देखो मॉल को देख सकते हो दोस्तों, कटोरी की साइज में आ गया, तो आधा आधा बांट लेते हैं इसको। ये ले भाई, तो ये आ गई भाई कड़ी, लेवे ना तो हुआ तो कैसे नहीं ली हूँ मोर भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों खाते हैं खाना, तो ये देख सकते हो पहले दिन की कड़ी भाई बची है, घर का था जो मजा आ गया भाई, एकदम मस्त खट्टा खट्टा लग रहा है। नाइस। और यहाँ देख सकते हो खाते हैं दोस्तों, तो गाइस हो गया भाई अपना फाइनली पूरा खाना बढ़िया से, और दिन भर के थके बंदे हैं तो अभी जाएंगे भाई सोने के लिए, और एडिट भी करना है इसको क्या कर। तो अभी खाना पीना हो गया है, तो चलते हैं भाई सोने के लिए, और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर ही एंड, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ हाँ सुनो सुनो एक बात और भाई, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, और वीडियो को प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को एक लाइक कर देना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।